आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मायावती और अखिलेश यादव के महागठबंधन पर ब्रेक, अगला चुनाव दोनों अपने दम पर लड़ेंगे। लोकसभा का सत्र 17 जून से 26 जुलाई तक, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव 19 को। मध्य प्रदेश में बिजली को लेकर हाहाकार, मंत्री बोले फॉल्ट के कारण हुई बत्ती गुल। मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर, गरज चमक के साथ हो सकती है बारिश। और रीवा में है दुनिया की सबसे छोटी कुरान, लंबाई 1 इंच और मोटाई 0.5 इंच। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद सपा और बसपा द्वारा बनाए गए गठबंधन पर ब्रेक लग गया है। मायावती ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आने वाले समय में होने वाले उपचुनावों पर बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी। हालांकि मायावती गठबंधन को लेकर साफ साफ कुछ भी कहने से बचती रही, लेकिन हार के लिए सपा पर दोष मढ़ते हुए गठबंधन से दूरी बना ली। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि चुनाव में ईवीएम में खराबी की बड़ी भूमिका रही, वहीं हम चुनाव नतीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। यूपी के चुनाव में सपा के आधार वोट यादव समुदाय ने ही पार्टी को समर्थन नहीं दिया, यहां तक कि सपा के मजबूत उम्मीदवार भी चुनाव में हार गए। सपा के समर्थकों को बदलने की जरूरत है, सपा में एक बड़े बदलाव की जरूरत है। अगर अखिलेश ने भविष्य में पार्टी में बदलाव किया तो साथ चलना संभव होगा। मैंने गिले शिकवे मिटाकर गठबंधन किया था, हमारा सुख दुख का रिश्ता बना रहेगा। मायावती ने साफ किया कि अगर सपा प्रमुख अपने कार्यकर्ताओं को मिशनरी बनाने में कामयाब होते हैं तो हम लोग आगे भी मिलकर साथ चलेंगे। यदि हमें लगेगा, इस बात को मैं फिर दोहराती हूँ, और यदि हमें लगेगा कि सपा प्रमुख अपने राजनीतिक कार्यों को करने के साथ साथ अपने लोगों को मिशनरी बनाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर हम लोग जरूर आगे भी मिलकर साथ में चलेंगे, और अगर वे किसी कारणवश इस काम में सफल नहीं हो पाते हैं तो फिर हम लोगों का अकेले ही चलना ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने, क्योंकि अभी उनको लोगों को परिवर्तित करने में टाइम लगेगा, और जो कुछ सीटों पर बाई इलेक्शन यूपी में होने वाले हैं वो तो कभी भी अनाउंस हो सकते हैं, इसलिए वर्तमान स्थिति में अब हमने उत्तर प्रदेश में यहाँ कुछ सीटों पर होने वाले उपचुनावों में फिलहाल अकेले ही ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। मायावती ने साफ कहा, अगर अखिलेश बदलाव करने में नाकाम रहते हैं तो हमें अकेले ही चलने में फायदा है। फिलहाल सपा बसपा गठबंधन पर ब्रेक नहीं लगा है, लेकिन आने वाले उपचुनाव के लिए फिलहाल बसपा में अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मायावती ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव और उनकी पत्नी मुझे बड़ी होने की वजह से पूरा सम्मान देते हैं। हमारा रिश्ता राजनीतिक स्वार्थ का नहीं बल्कि आगे भी बना रहेगा, यह रिश्ते कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। ये साफ हो गया है कि अब बुआ और बबुआ के रास्ते अलग हो गए हैं। मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साफ कहा कि अगर राज्य में गठबंधन टूट गया है तो मैं इसे गहराई से देखूंगा, साथ ही अगर उपचुनावों में भी गठबंधन नहीं रहता है तो समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में एसपी बीएसपी की राहें अब जुदा हो चली हैं। मायावती के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पहले मायावती ने साफ कहा कि आने वाले उपचुनावों में उनकी पार्टी बसपा अकेले चुनाव लड़ेगी।
वहीं अगर अखिलेश पार्टी में सुधार नहीं करते हैं तो आगे भी गठबंधन नहीं चल सकेगा। मायावती ने इस बयान के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी साफ कहा कि अगर राज्य में गठबंधन टूट गया है तो मैं इसे गहराई से देखूंगा। साथ ही अगर उपचुनाव में भी गठबंधन नहीं रहता है तो समाजवादी पार्टी भी 11 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। मैं गठबंधन को कहकर के यही कहूंगा कि अगर गठबंधन टूटा है या गठबंधन के बारे में जो बात रखी गई है, मैं उस पर बहुत सोच समझ कर विचार करूंगा। और जब गठबंधन के चुनाव में है ही नहीं उपचुनाव में, तो हम अपनी समाजवादी पार्टी की तैयारी करेंगे। आजमगढ़ में अखिलेश बोले कि लोकसभा चुनाव भले ही हम हार गए हो, लेकिन हम हौसला नहीं हारे हैं, संघर्ष करेंगे व 2022 में सपा की सरकार बनेगी। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर एक बार फिर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सरकार अगस्त 2020 तक इसका निर्माण पूरा करने को कह रही है, लेकिन यह संभव होते नहीं दिख रहा है। 17 जून को लोकसभा सत्र शुरू होने के बाद पहले दो दिन तक नव निर्वाचित सांसदों को शपथ दिलवाई जाएगी। उसके बाद 19 जून को लोकसभा अध्यक्ष को चुना जाएगा। राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक को 20 जून को संबोधित करेंगे। 17वीं लोकसभा का पहला संसदीय सत्र 17 जून से शुरू होगा और यह 26 जुलाई तक चलेगा। इस बीच 19 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। चुनाव प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी कि सत्र में 5 जुलाई को बजट पेश किया जाएगा। गौरतलब है कि मोदी सरकार पार्ट टू के पहले कैबिनेट बैठक में 31 मई को सत्र की तारीखों के बारे में फैसला लिया जाएगा। राज्यसभा की बैठक 20 जून से शुरू होगी। प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि 17 जून को लोकसभा सत्र शुरू होने के बाद पहले दो दिनों तक नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी। 2 जुलाई को लोकसभा में सरकार आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। इसके बाद 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। इससे पहले 1 फरवरी को पीयूष गोयल ने सरकार की तरफ से अंतरिम बजट पेश किया था। इंदौर में बिजली की समस्या हर दिन बढ़ रही है। बिजली व्यवस्था की बदहाली और पहली बारिश के बाद रात भर छाए अंधेरे का शोर भोपाल तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ इस मामले को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जनता में बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में भाजपा ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की शुरुआत कर दी है। इसी कड़ी में विधायक आकाश विजयवर्गीय की अगुवाई में भाजपा कार्यकर्ताओं ने इंदौर में अनूठा प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं के हाथों में लालटेन लिए राजवाड़ा पर बैठ गए और बिजली कटौती के लिए कमलनाथ सरकार को जमकर कोसा। वैसे तो पूरा मध्य प्रदेश बिजली की समस्या से जूझ रहा है और कमलनाथ सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। इंदौर में बिजली कटौती से हाहाकार मचा हुआ है। लोग परेशान हैं और सरकार को कोस रहे हैं। बिजली की समस्या को लेकर बीजेपी भी मैदान में आ गई है। कार्यकर्ताओं ने अपने चेहरे पर मुख्यमंत्री कमलनाथ का मुखौटा पहना हुआ था। वहीं हाथों में जो तख्तियां पकड़ी हुई थी उस पर भी बड़ा दिलचस्प नारा लिखा था, बिजली अब जाना है, घर घर मोमबत्ती बनाना है। बता दें सरप्लस बिजली होने के बावजूद प्रदेश के ज्यादातर जिलों में भीषण गर्मी के बीच कई घंटों तक बिजली कटौती हो रही है। खुद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी अफसरों को आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर अब बिना वजह बिजली गुल हुई तो अफसरों पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन फिर भी पहली बारिश में इंदौर के अलावा कई शहरों में घंटों तक बिजली गुल रही। ऐसे में बिजली कटौती इस सरकार के लिए गले की फांस बन गई है। कमलनाथ सरकार द्वारा जो पिछले कई महीनों से मध्य प्रदेश पर कोई काम नहीं किया जाता है, सिर्फ हवाबाज और पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के मुताबिक इंदौर में बिजली गुल होने से शहर के 1,36,000 से ज्यादा बिजली उपभोक्ता प्रभावित हुए हैं। ज्यादातर हिस्सों में रात 12 बजे से पहले आपूर्ति बहाल हो गई थी। कुछ हिस्सों में पूरी रात बिजली नहीं रही। लसूड़िया से आगे गुलाब बाग महालक्ष्मी नगर के कुछ हिस्से बाईपास कनाडिया क्षेत्र में सोमवार तड़के 4 बजे बाद विद्युत आपूर्ति बहाल हुई। बिजली कंपनी के मुताबिक बारिश और आंधी से हुए फॉल्ट से शहर के 33 केवी के 25 फीडरों और 11 केवी के 154 फीड
में आपूर्ति बाधित हुई थी। बिजली गुल होने के बाद बिजली कंपनी के एमडी विकास नरवाल ने रात भर इंदौर व देवास के सप्लाई केंद्रों का निरीक्षण किया। पहली बारिश के बाद रविवार को फॉल सेंटर में 4,200 से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुई, वहीं संख्या सामान्य दिनों से करीब 4 गुना थी। मध्य प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती सरकार का सिरदर्द बनी हुई है। चेतावनी झड़की के बाद सीएम कमलनाथ इस मसले को हल नहीं कर पा रहे। मध्य प्रदेश में बिजली की लुका छिपी के बीच ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि बिजली की कहीं कोई कमी नहीं है, फॉल्ट के कारण लाइट जा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रजातंत्र का मजाक बना रही है। एमपी बिजली संकट से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री कमलनाथ अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं कि लाइट ना जाए और बीजेपी कह रही है कांग्रेस आई और बिजली गई। भीषण गर्मी में बिजली से लोग परेशान हैं। सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे में बीजेपी का कांग्रेस सरकार पर हमलावर होना लाजमी है। इस बीच ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा बीजेपी शुरू से ही प्रजातंत्र का मजाक बना रही है, मुद्दे हैं, नहीं तो घोषित बिजली कटौती की बात कर झूठ फैला रही है। अब जब फॉल्ट के चलते बिजली गायब हो जाती है तो उसको भी कम करने का काम हमारा है। पुराने भोपाल में कबूतरों के कारण तार में फॉल्ट हो जाता है, जिसके कारण बिजली अत्यधिक जा रही थी। इंदौर में आग लगने के कारण वहां का सिस्टम बैठ गया, तार टूट गए। अब इन कारणों को अघोषित बिजली कटौती नहीं कह सकते। यार एक तो ये बात मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, मेरे मीडिया के सभी साथियों से, कि बिजली कटौती नहीं हो रही है, अघोषित कटौती या समयबद्ध कटौती। और ये पैटर्न आप भी देख सकते हैं कि कहीं पे रेगुलरली लाइट नहीं जा रही है। ठीक, लाइट किसी एरिया में एक दिन अगर बंद होती है और दूसरे दिन से वो रेगुलर रहती है तो उसको कटौती नहीं कहा जाता। कटौती होती है जब आप, हम शेड्यूल दे दें आपको कि भैया सोमवार से लेकर शनिवार तक 5 घंटे रोज बिजली बंद रहेगी, तो इसे कहते हैं कटौती। ये होती है अघोषित कटौती कि भैया ठीक है कटौती इस समय में की जाएगी। पर अभी जो लाइट जा रही है वो ट्रिपिंग ऑफ फॉल्ट्स के कारण जा रही है। अब जो पुराने भोपाल में, हम भोपाल की बात कर लें, पुराने भोपाल में बर्ड फॉल्ट बहुत आता है, कबूतरों के बैठने से, गिलहरी चिड़ियाओं के बैठने से, तो इससे समस्या आती है। तो उसमें हम लोग उसको भी टैकल कर रहे हैं और समयबद्ध तरीके से। अभी त्यौहार का महीना चल रहा है, रमज़ान का समय है, तो पुराने भोपाल में लाइट रिस्टोर्ड रहे और लाइट ना जाए, इसकी पूरी पूरी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मंत्री प्रियव्रत का साफ कहना है फॉल्ट के चलते बिजली जा रही है, जिसको बीजेपी अघोषित कटौती के नाम पर बदनाम कर रही है। उनका कहना है जहां एडवांस टेक्नोलॉजी के सिस्टम की आवश्यकता है वहां उसे जल्द लगाकर बिजली सप्लाई और फॉल्ट व्यवस्था और ट्रिप सिस्टम को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि मां नर्मदा और अन्य नदियां कैसे बचें, इसके लिए कमलनाथ सरकार संकल्पित है। उन्होंने कहा अब नर्मदा नदी में अवैध खनन नहीं होने देंगे। अपने कामों और बयानों से चर्चा में रहने वाले कंप्यूटर बाबा का कहना है कमलनाथ सरकार नर्मदा नदी को बचाने के लिए संकल्पित है। उन्होंने कहा नर्मदा की आस्था बची रहे इसके लिए पेड़ लगाना और परिक्रमा वासियों को सुविधा हो इसके लिए न्यास काम करेगा। जल्दी ही नर्मदा युवा सेना का गठन किया जाएगा और नर्मदा में अवैध खनन नहीं होने दिया जाएगा। बाबा ने नर्मदा के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया और कहा सभी दल दलगत राजनीति से ऊपर उठें और नर्मदा के लिए काम करें। एमपी में बिजली की आंख मिचौली जारी है। इसका सामना टीकमगढ़ के नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद वीरेंद्र खटिक को उस समय करना पड़ा जब वे कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तभी बिजली चली गई। एमपी में कांग्रेस सरकार बनने के बाद से बिजली की समस्या खड़ी हो गई है। टीकमगढ़ सांसद वीरेंद्र खटिक छतरपुर में बीजेपी कार्यकर्ता और नेताओं के साथ शहर में विजय जुलूस निकाल रहे थे। जुलूस के बाद सांसद वीरेंद्र खटिक भाजपा कार्यालय पर लोगों को संबोधित कर रहे थे, तभी बिजली चली गई। बाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोबाइल की लाइट जलाकर सांसद का संबोधन करना पड़ा। संबोधन में सांसद कार्यकर्ताओं की लड़ाई लड़ने की बात कह रहे थे और बत्ती गुल हो गई। सांसद की आभार रैली में बिजली जाने पर बीजेपी नेताओं ने जमकर कमलनाथ सरकार पर तंज कसा, कहा कमलनाथ सरकार में 15 साल पहले की बिजली व्यवस्था की याद ताजा कर दी है। प्रयास किया गया तो मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने कार्यकर्ता को असहाय निराश नहीं छोड़ेंगे। ये सब हमारा परिवार है, वो परिवार होने के नाते हम सब उस परिवार के सदस्य हैं और किसी परिवार के सदस्य के साथ में जब कहीं कोई अन्याय होगा
उस अन्याय के खिलाफ प्रतिकार करने के लिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार उस व्यक्ति का उस कार्यकर्ता के साथ है। पिछले कार्यकाल की आपको याद दिलवाएं कि सड़क में गड्ढे, कहीं कोई सड़क नहीं थी, कहीं कोई लाइट नहीं थी। यही है बदलाव कांग्रेस का। आम जनता को तो बुरा लगेगा, कांग्रेसी सरकार में सांसद जी को मालूम है, सबको कार्यम की रैली थी, पूरे विभाग को मालूम था, फिर भी उसी टाइम लाइट चली गई जिस टाइम उनका उद्बोधन चालू हुआ। ये तो घोर निंदा का कारण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे नहीं, उन्हीं की तानाशाही है, आप लोग देख रहे होंगे हर जगह उनकी तानाशाही हावी है। किसी भी क्षेत्र में कहीं भी कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं कितने ट्रांसफ़र किए, कितने जो है उनने बालू में कितना ज़्यादा घोटाला किया, सभी लोग उन्हीं की लोग बालू पर काम कर रहे हैं, अधिकारी वर्ग उन्हीं की बात मान रहे हैं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है तो वो बात मान रहे। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजधानी भोपाल में जल संकट के चलते महापौर आलोक शर्मा 100 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग लेकर प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह के पास पहुंचे। मंत्री गोविंद सिंह ने विशेष पैकेज को लेकर कहा कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ से इस संबंध में बात करेंगे। राजधानी भोपाल इन दिनों पानी की समस्या से जूझ रहा है। आए दिन लोग पानी की समस्या को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं। गौरतलब है कि कोलार में रहवासियों ने पानी की समस्या के चलते ट्रैफिक जाम कर दिया था। भोपाल महापौर आलोक शर्मा ने राजधानी में जल संकट की समस्या से प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह को अवगत कराया और समस्या से निपटने के लिए 100 करोड़ के विशेष पैकेज की मांग की। गोविंद सिंह ने आलोक शर्मा को आश्वासन दिया और कहा पानी की समस्या को दूर करने के लिए जो भी संभव मदद होगी की जाएगी। 100 करोड़ के विशेष पैकेज को लेकर गोविंद सिंह ने कहा कि कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ से इस संबंध में चर्चा की जाएगी। हाल में इस वर्ष इंद्र देवता की कृपा काफी कम रही और भोपाल में इस बार बरसात कम होने के कारण जो हमारा भोपाल का बड़ा तालाब है, इस शहर की लाइफलाइन है, उसमें 50% पानी ही जमा हो पाया, जिसके कारण गर्मी में जल संकट जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। आज हम हमारे प्रभारी मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह जी के पास यहाँ आए हैं और उनसे सभी महापौर परिषद के सदस्यों ने निवेदन किया है कि तत्काल भोपाल के जल संकट को देखते हुए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और नगर निगम इस जल संकट को दूर करने के लिए सरकार की ओर से हमें 100 करोड़ रुपए का पैकेज भी मिलना चाहिए, जिससे कि भोपाल की जनता को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। माननीय मंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया है कि आज ही शाम को मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के साथ कैबिनेट की बैठक है, उसमें भोपाल की जनता की भावनाओं को भी रखेंगे और उन्होंने कहा है कि तमाम राजनीतिक विचारधाराओं से ऊपर उठ के सभी सामाजिक संगठनों को इसमें जुड़कर वो जो भोपाल में जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, भोपाल ही नहीं प्रदेश में कई जगह इस प्रकार की जल संकट की स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके लिए आज हम चर्चा करेंगे। महापौर जी की ज्ञापन उन्होंने अपने साथियों के साथ में लिया है। मैंने उनको आश्वस्त किया कि इस मामले को हमसे कराएंगे, अधिकारियों के बैठ के पूरी जानकारी लेंगे। जहाँ तक बहुत गंभीर संकट का सवाल है, ऐसा तो मैं नहीं मानता, कहीं कहीं किसी मोहल्ले में परेशानी है वहाँ आती हम तत्काल टैंकर से अन्य किसी साधन से करा रहे हैं। आज मंत्रिमंडल की बैठक है, मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा करूंगा। नगर निगम की समस्याएं हैं, जनता की आम जनता की समस्याएं हैं, इसमें हम सभी दलों को बैठकर चिंतित होना चाहिए और कोई भी समस्या हो सार्वजनिक हित की, जनता के हित की, हम सब बैठ के प्रदेश के हित में जन कल्याण के लिए सब साथ काम राय लेकर हम करेंगे, ऐसा हम आज मुख्यमंत्री जी को भी बात करके बताएंगे। छतरपुर के बड़ा मलहरा में सागर लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को 70,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी
बंधा सोसाइटी के सेल्समैन से गेहूं खरीदी के नाम पर 98,000 की रिश्वत मांग रहा था। छतरपुर के बड़ा मलहेरा में सागर लोकायुक्त पुलिस ने एक बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। लोकायुक्त पुलिस ने कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को 70,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी सचिन श्रीवास्तव बंधा सोसाइटी के सेल्समैन अजय से गेहूं खरीदी के नाम पर 1 रुपए क्विंटल के हिसाब से 98,000 की रिश्वत की मांग कर रहा था, लेकिन सेल्समैन ने 70,000 देने की बात की और इसकी शिकायत सागर लोकायुक्त से कर दी। सेल्समैन ने जैसे ही रिश्वत की राशि कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को दी, सागर लोकायुक्त की टीम ने अधिकारी को रंगे हाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त की इस कार्रवाई के बाद रिश्वत लेने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। अजय पटेरिया सेल्समैन है, उसके द्वारा 31 तारीख को शिकायत की गई थी जिसमें गेहूं की तुलाई हुई थी 68,000 क्विंटल, जिसमें 1 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से वो रिश्वत की मांग कर रहे थे और साथ ही मंथली का कुछ 30,000 रुपये बकाया था। ऐसे करीब 98,000 की रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसमें आज हमने उनको 70,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। भोपाल के स्वराज भवन में 2 दिवसीय सोलेस पेंटिंग एग्जीबिशन आरंभ हुई। एग्जीबिशन में ब्राइट कलर्स और पेंटिंग की विभिन्न कलाओं के साथ प्रतियोगियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इसका उद्घाटन प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी और बीजेपी नेता तपन तोमर ने किया। स्वराज भवन भोपाल में सोलेस पेंटिंग की 2 दिवसीय एग्जीबिशन का शुभारंभ बीजेपी नेता तपन तोमर और सुप्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी ने किया। इस मौके पर 17 चित्रकारों की लगभग 80 पेंटिंग प्रदर्शनी की गई थी। प्रदर्शनी में 7 साल से लेकर 50 साल तक की उम्र के कलाकारों ने भाग लिया। मुंबई इंदौर सहित अन्य राज्यों के कलाकारों ने एग्जीबिशन शामिल होकर अपनी चित्रकारी एवं कला का प्रदर्शन किया। एग्जीबिशन में भीगी हुई महिला और जगन्नाथ की पेंटिंग लोगों ने आकर्षण का केंद्र बनी रही। एग्जीबिशन में 9 वर्षीय ऋषि ने बताया कि उसने 6 पोर्ट्रेट पेंटिंग लगाई हैं, जिसमें से उसने हैरी पॉटर सहित अपने फेवरेट हीरो के पोर्ट्रेट बनाए हैं। वहीं 7 साल के बालक ने भी अपनी कला का प्रदर्शन किया और लोगों को चित्रकला के गुण भी सिखाए। वो है, ये सब है लैंडस्केप, इसमें ब्लेंड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर ब्रश के स्ट्रोक्स पड़ जाते हैं। अच्छा। फिर पेंटिंग अच्छी है। अच्छा, वो ड्रॉ करते हैं। और ये जो घर है वो ड्रॉ किए हैं, बस इतना ही, और कुछ भी डाली वाली कुछ भी ड्रॉ किया। और वो मून है, वो फुल मून, फुल मून। अच्छा, रात का वक्त। हाँ, और वो शाम का वक्त, और ये गांव, और ये समुद्र। ये स्केचिंग पेंटिंग्स हैं, पोर्ट्रेट्स। इन पोर्ट्रेट्स में स्केचिंग पेंसिल से किया जाता है, ग्रेफाइट पेंसिल्स। इसको अलग अलग टाइमिंग्स है, डिपेंड करता है कि वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। मैं कि ये मेरे को 1 मंथ लगा और इसका 1 वीक, और इन सब के अलग अलग दिनों में बनाता है। ये एमा वॉटसन, ये आयरन मैन, ये बेनेडिक्ट कमरबैच, हैरी पॉटर, ये रॉन और ये थॉर। मैंने ये सब क्लासेस से सीखा था और हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, एक एक ब्लॉक, मतलब कि उसको डिवाइड करते हैं और एक एक ब्लॉक से बनाते हैं, तो फिर लास्ट में पूरा बन जाता है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे वरिष्ठ पत्रकार एवं कार्टूनिस्ट हरिओम तिवारी ने बताया कि एग्जीबिशन में लगाई गई कलाकृतियां काबिले तारीफ है। चित्रकारों ने अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया है। एग्जीबिशन की आयोजक ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य चित्रकला की प्रतिभा को बढ़ाना है, एग्जीबिशन के माध्यम से चित्रकारों के उत्साह को बनाए रखना है। जी, ये तेजस्विनी शर्मा जी हैं, वो खुद पेंटर हैं और उनके स्टूडेंट्स भी, वो सिखाती भी हैं, तो मुझे यहाँ बुलाया गया इनॉग्रेशन के लिए। और मैंने सारा वर्क देखा, बहुत अच्छा काम सभी स्टूडेंट्स ने किया है और ख़ास तौर से तेजस्विनी का तो बहुत ही अच्छा वर्क है। और मुझे लगता है कि पेंटिंग जो आर्ट है इसमें पेशेंस की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, तो मैंने जो काम देखा और ख़ास तौर से छोटे छोटे बच्चों ने इतना अच्छा काम किया है, तो आजकल बच्चों में भी एक मतलब सीरियसनेस आई है, इतने गंभीरता से काम को करते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बहुत दिनों बाद मैंने एक अच्छी पेंटिंग एग्जीबिशन देखने को मुझे मिली है।
मैं बाय एजुकेशन डेंटिस्ट हूँ, पर पेंटिंग मेरा पैशन है तो मैं पेंटिंग सिखाती भी हूँ। जो बच्चे मेरे यहाँ सीखने आते हैं, अब धीरे धीरे करके उनमें कितनी ग्रोथ हुई है, तो मैंने चाहा कि इसको मैं अब डिस्प्ले करके दिखाऊँ सबको। उनका भी मोटिवेशन होता है कि हाँ, जब कोई इनकी तारीफ़ करता है तो सोचा कि इसको डिस्प्ले करते हैं, और एक लेवल थोड़ा सा उनका और बढ़ा है सीखते सीखते। तो मैंने सोचा कि उसको डिस्प्ले करके उसको सबको दिखाया जाए। बस ऐसे ही मैंने खुद के भी सोलो शो किया था 2016 में, फिर वही बताया कि देखते देखते ऐसा लगा कि हाँ, इन लोग की पेंटिंग भी अब डिस्प्ले करी जा सकती है, मोटिवेशन रहेगा इनका, तो सोचा कि एग्जीबिशन करके दिखाया जाए। रीवा के मन्नान मस्जिद में दुनिया की सबसे छोटी कुरान शरीफ है, जिसकी लंबाई 1 इंच और मोटाई 0.5 इंच बताई जा रही है। कुरान शरीफ विशेष प्रकार के चमड़े की जिल्द के अंदर रखी हुई है। 600 साल पुरानी सोने की सिहाई से हस्तलिखित इस कुरान शरीफ में पूरे 30 पारे हैं। इस पढ़ने के लिए विशेष प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है। भारत सहित मुस्लिम देशों में पढ़ी जाने वाली पवित्र कुरान कई साइजों में मिलती है। आज हम आपको दुनिया के सबसे छोटी कुरान शरीफ दिखाने जा रहे हैं। रीवा में एक विशेष प्रकार के जिल्द में रखी कुरान मिली है, जिसकी लंबाई 1 इंच और मोटाई 0.5 इंच बताई जा रही है। 600 साल पुरानी सोने की स्याही से हस्तलिखित इस कुरान में 30 पारे हैं। कवर पेज पर रखे विशेष प्रकार के लेंस से इसे पढ़ा जाता है। रीवा में स्थित इस कुरान के बारे में लोग बताते हैं कि इससे छोटी कुरान कहीं देखने व पढ़ने को नहीं मिली। हाजी मन्नान परिवार में मन्नान मस्जिद में रखी इस कुरान शरीफ के मालिक का कहना है कि हमारे पास यह लगभग 60 पीढ़ियों से है, इसे हम कुछ विशेष मौकों पर ही बाहर निकालते हैं। रमजान के महीने में इसे खास तौर से निकाला जाता है। 7 पीढ़ियों से सहेज कर रखी पूरी दुनिया में इस दुर्लभ कुरान शरीफ को रमजान जैसे इबादत के महीने में देखना एक बड़ी इबादत है। ये कुरान शरीफ हमारे खानदान में 600-700 वर्षों से है, और ये हमारी 7वीं-8वीं पुस्तक है, तब से ये हमारे खानदान में है, और ये दुनिया में एक ही पीस है पूरी दुनिया में। अभी तक इसका कोई तोड़ मिला नहीं है। कहाँ से आई, कैसे आई, इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं है, लेकिन खानदान से ही चली आ रही परंपरा, और रमजान शरीफ के दिन में ये निकाली जाती है लोगों को पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। और इसमें खास बात यह है कि बिना लेंस के ये पढ़ी नहीं जा सकती, और हाथ की लिखी हुई है, सोने का वर्क से इस पूरा लिखा हुआ है, और सोने की जिल्द भी है इसमें, और 30 पारे पूरे हैं। और ये जो मस्जिद बनी है मन्नान मस्जिद, ये हाजी फैजुल्ला हाजी अलाबख्श के हाथ की बनाई है, और ये जब वेंकट भवन बना है उन्हीं कारीगरों द्वारा ये मस्जिद का निर्माण हुआ। जयराम मिस्त्री थे जयपुर के, उनके द्वारा ये नक्शा बनाया गया, उनके वेंकट भवन साथ यही मस्जिद का भी निर्माण हुआ। भोपाल के बोर्ड चौराहा स्थित श्री कंठेश्वर मंदिर में चल रहे 2 दिवसीय श्री शनि महायज्ञ कार्यक्रम का समापन किया गया। समापन के इस मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। सोमवती और शनिश्चरी अमावस्या के मौके पर श्री नीलकंठेश्वर मंदिर में 2 दिवसीय श्री शनि महायज्ञ कार्यक्रम का समापन किया गया। महायज्ञ का समापन पूर्ण आहुति, महाआरती, प्रसाद वितरण एवं महाभोग के साथ हुआ। यज्ञ स्थल पर विशाल धर्म ध्वजा स्थापित कर यज्ञशाला का विधि विधान से पूजन किया गया। महायज्ञ की आयोजक शीला देवी ने बताया कि यह महायज्ञ 14 वर्षों से हर साल किया जा रहा है। महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य शांति स्थापित करना है, लोगों में सच्ची भावना और श्रद्धा पैदा करना है। इस 2 दिवसीय महायज्ञ में बड़ी संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। यज्ञ के दौरान श्रद्धालुओं में काफी उत्साह भी देखने को मिला है। ये महाशनि यज्ञ कल से प्रारंभ, कल अपने कलश यात्रा निकाली हुई है, ऊपर से चालू हुआ। ये 2 दिवसीय शनि महायज्ञ है, अपन जी 14 वर्षों से करवा रहे हैं सिर्फ जन कल्याण के लिए, और ये अभी 5 ब्राह्मण द्वारा हो रहा है। सोमवती अमावस्या एवं शनि जयंती के मौके पर संत हृदयराम नगर के सुंदरकांड का पाठ किया गया, और उसके बाद शनिदेव का तेल से अभिषेक किया गया। संत नगर में शनि और सोमवती अमावस्या पर हवन, पूजन, आरती एवं भंडारे का आयोजन किया गया। यहां शनिदेव का पूजन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। शनि जयंती के अवसर पर फिल्मों में अभिनय करने वाले अभिनेता करण कपूर भी यहां सेवा करते नजर आए। करण कपूर ने सनी देओल के साथ फिल्म रोक सको तो रोक लो एवं फिल्म सरकार टीवी सीरियल कुटुंब
सीआईडी कई फिल्में एवं नाटकों में अभिनय किया है। करण कपूर ने बताया कि प्रतिवर्ष शनि जयंती पर महाराज जी की सेवा करने जरूर आता हूं, मुझे यहां पर बहुत अच्छा लगता है। शनि जयंती महोत्सव पर इस वर्ष दिनांक 2/2/2019 को रात्रि में सुंदर आज उसके बाद अभिषेक 9 बजे अभिषेक और 12 बजे आम बनाए का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मतलब बहुत सी पब्लिक ने इसका लाभ लिया और अभी भी भंडारे में लाभ ले रही है। 2 दिन का हम लोग आयोजित करते हैं हर साल शनि जयंती का, कल सुंदरकांड पाठ था रात को और फिर सुबह को 4 बजे अभिषेक, फिर अभिषेक सुबह को 9 बजे से 11 बजे तक यज्ञ हवन था और 12 बजे से अभी भंडारा चालू हुआ भंडारा। और ऐसा कोई घर नहीं है यहाँ पर बैरागढ़ में कोई भंडारा नहीं आता था। आसमान से बरसती आफत की गर्मी का दौर जारी है, फिलहाल कुछ दिनों तक और गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग की माने तो पूरे मध्य प्रदेश में 45 डिग्री के आसपास पारा रहा है, वहीं दमोह सागर और रायसेन में पारा 47 डिग्री के करीब रहा। अभी हीट स्ट्रोक जारी रहेगा, केरल में मानसून आने के बाद ही मौसम में कुछ नमी आएगी। इस बीच प्री मानसून गतिविधियां हो सकती हैं। भोपाल जून में 5 साल का सबसे गर्म दिन सोमवार रहा, रायसेन सागर और दमोह में सबसे ज्यादा तापमान 47 डिग्री रहा। पूरा प्रदेश भीषण गर्मी और लू की चपेट में है, प्रदेश के 28 जिले इस समय लू की चपेट में हैं, वहीं 13 शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार हो चुका है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा तापमान रायसेन सागर और दमोह में दर्ज किया गया है। राजधानी भोपाल में 5 साल बाद अधिकतम तापमान 45.3°C रहा है। मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि गर्मी का दौर फिलहाल जारी रहेगा, इस दौरान गरज चमक के साथ बारिश भी होगी। गर्मी से तो फिलहाल अभी कोई राहत की संभावना नहीं दिख रही है। जो टेम्परेचर है इंदौर डिवीजन में थोड़ा सा जो है 45 से कम है, और बाकी पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 45 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर है, और 2-3 ऐसे जगह हैं जहां पर 47 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया, जिसमें आपका दमोह, रायसेन और सागर रहा है। तो हीट वेव से लेकर सीवियर हीट वेव की स्थिति पूरे मध्य प्रदेश में बनी हुई है और आगामी 24 घंटों में ये स्थिति जो है कंटिन्यूस होने की संभावना है। इससे पहले भोपाल में 6 जून 2014 को अधिकतम तापमान 45.3 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे में 23 जिलों में हल्की वर्षा व गरज चमक के साथ धूल भरी आंधी चलने की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मौसम विज्ञान का कहना है कि अब अधिकतम तापमान में धीरे धीरे गिरावट दर्ज की जाएगी, लेकिन उमस काफी बढ़ सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप भैरन समाचार सुनाएंगे आपको जर्जर भोपाली। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। और कल्याण भाई, ये तो गर्मी है ना, लपक के पड़ रही, 65 साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए। प्री मानसून में कुछ बारिश ही नहीं हुई, बताओ। ये दिमाग चटके जा रहे लोगों के, बता रहा हूँ। अब ये गर्मी पड़ रही है, बता रहे हूँ। लोग हैं ना, नए नए हैं ना तरीके इससे निपटने के ढूंढ रहे हैं। सिंगापुर में बस की छत पे ही ने पेड़ उगा दिए, उससे 5 डिग्री टेम्परेचर कम हो गया, बता रहे हूँ। हमें भी ऐसे कुछ सोचना चाहिए। और मैं तो कह रहा हूँ पेड़ लगाओ भैया, जो पेड़ काटे जा रहे हो ना, और जो गाड़ियाँ बढ़ा रहे हो, पोल्यूशन बढ़ा रहे हो, उससे है ना यही होने वाला है। आगे चल के है ना पिघल जाएंगे भाई, सड़क पे निकले भाई पिघल गए 2 आदमी, ये से खबरें आएंगी फिर। हाँ, और ये खबर ये देख लो, ये पाकिस्तानी अपनी ये पुरानी आदतों से बाज नहीं आता, पूरे बदतमीजियाँ हैं बर्दाश्त, इनको चलते ही रहता है बदतमीजियाँ। भाई इफ्तार पार्टी हो रही थी भारतीय उच्चायोग में, और वहाँ पे ये मेहमानों से बदतमीजी कर दी, बताओ इनने। और मेहमान भी तो इनके ही होंगे, इनको शर्म आती नहीं, बता रहे ये रमजान का महीना चल रहा है, ये थी हरकतें कर रहे हैं। और ये खबर ये देख लो, कर्मचारी भविष्य निधि में आदमी अपना कहता है, पूरी मेहनत करता है जिंदगी भर, ये पैसा इकट्ठा करता है, और उसके एक अधिकारी के यहाँ छापा पड़ा, बता CBI का, ये 5 लाख निकले, बता रहे हैं। ये कुछ तो मतलब क्या समझने क्या चल रहा है। और बिहार में देख लो आप, बिहार में जो नीतीश कुमार है उनने बदला ले लिया, उनको वहाँ सेंटर में वो नहीं मिली मिनिस्ट्री उनकी पार्टी को, JDU को, तो इन्होंने अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ था वहाँ पे बिहार में, तो इन्होंने भाजपा को कोई सीट नहीं दी अभी, ये तो चल रहा है बस टेट फोर टेट। हाँ, और ये खबर ये देख लो, दक्षिण चीन सागर में और ताइवान में ये जो अमेरिका का इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, और चीन भुनभुना रही है इस पर,
और चीन की दादागिरी चल रही है तो वो उसको ख़त्म होने वाली है। उस चक्कर में चीन कह रहा है अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ ये तो काम लालच वाले काम करते क्यों, ये अपना अपने देश में काम करो, अपनी अपनी जगह पर रहो तो युद्ध नहीं हो। हाँ, और ये खबर ये देखो लोकल खबर, JP हॉस्पिटल में फर्स्ट पे डिलीवरी हो गई। और मैं बता रहा हूँ डॉक्टर हैं ये, नर्स हैं ये लोग, ये जल्लाद हो रहे हैं क्या ये? अरे कुछ तो ईमान नाखो अपना है, बता रहे हैं ये ऐसी ऐसी खबरें आ रही है। ये लोगों के भले करने के लिए तुम्हारी ड्यूटी लगाई है वहाँ पे, कुछ तो देखो। और वर्ल्ड कप में तो देखो ऐसे लपक के बांग्लादेश ने ऐसा आगाज किया, 330 रन ठोक दिए कल, और साउथ अफ्रीका को निपटा दिया, बता रही हूँ। और साउथ अफ्रीका तो बेचारा ये अभी ये दो मैच हार चुका लगातार, वो अभी तीसरा इंडिया से होने वाला है 5 जून को, वो भी पर्यावरण दिवस मनाएंगे इंडिया वाले, बता रहे हूँ। हाँ, इनका बुरा हाल हो रहा है। और मैं भी चला भैया मैच देखने, अब टाइम हो गया। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।